नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के खास कार्यक्रम रूबरू में आपका स्वागत है। और रूबरू में आज हम चलेंगे नवादा की रणभूमि में, जिसमें ये नज़र लगी हुई है सारे लोगों की कि पहले चरण की जो वोटिंग है नवादा में, क्या बाकी बची सीटों पर एक कोई लकीर नवादा के वोटर खींचने वाले हैं, क्या नवादा के वोटर ये तय कर देंगे कि जो बाकी 39 सीटें हैं उसमें चीज़ें किस तरह से आगे बढ़ेगी। तो आज हमारे साथ इस पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार हैं वरुणेन जी, उनसे जानेंगे कि क्या हो रहा है नवादा में। आपका बहुत स्वागत है वरुणेन जी। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्ते। क्या हो रहा है नवादा की रणभूमि में, क्या लगता है आपको? नवादा की रणभूमि में जो मिजाज नवादा का रहता है, अपने मिजाज में नवादा चल रहा है। जी जी। यहाँ किसी प्रकार की राजनीतिक तौर पे कोई उलझन नहीं है, सब कुछ साफ है। करीब 4 प्रत्याशी, उम्मीदवार तो 8 हैं यहाँ, लेकिन 4 प्रत्याशी आवाम के बीच चर्चा में हैं। और वो जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के विवेक ठाकुर हैं, राष्ट्रीय जनता दल के श्रवण कुशवाहा हैं, राष्ट्रीय जनता दल के ही एक बागी प्रत्याशी विनोद यादव हैं, और एक भोजपुरी सिंगर गुंजन सिंह हैं। ये 4 चेहरे चर्चा में हैं आम वोटरों के बीच में। यही 4 चेहरे जो आ गए, यहीं से कन्फ्यूजन शुरू हो गया। जैसा आपने कहा कि कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन कन्फ्यूजन तो है। अगर गुंजन सिंह मैदान में है और विनोद यादव मैदान में है, तो स्वाभाविक है एक कन्फ्यूजन तो वोटरों के बीच में वरुण जी पैदा तो हो ही गया होगा। देखिए, बड़ा चुनाव है, पार्लियामेंट का इलेक्शन है, अंततः वोटरों का ध्रुवीकरण विचारधारा के आधार पर ही होना है जी। लेकिन ये तो जो समीकरण के आधार पर होना है कि विचारधारा के आधार पर होना है? नहीं, विचारधारा है, कुछ जातीय समीकरण भी है, दोनों का कॉकटेल है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब विचारधारा के आधार पर ही लोग बह रहे हैं। जातीय समीकरण भी है, और श्रवण कुशवाहा की उम्मीदवारी नहीं, कहीं ना कहीं जातीय समीकरण को ट्विस्ट दिया है यहाँ। कुछ जो कि एनडीए के परंपरागत वोटर कुशवाहा लव कुश का जो समीकरण है वो दरकता हुआ है, दिख रहा है नवादा में, दिख क्या रहा है, मतलब करीब करीब स्थिति वही बनी हुई है। और वो जो वोटर है वो एनडीए की बजाय जा रहे हैं आपको मास वोटर महागठबंधन के पक्ष में। कहा भी जाता है कि कुशवाहा वोटर अपने जात के प्रत्याशी की वोट देते हैं, तो इससे कितना बड़ा नुकसान एनडीए का देख रहे हैं आप इस तरह युगलबंदी से? वो तो साफ दिख रहा है कि जो एनडीए समीकरण का वोट, जब टिकट बंटवारा के पहले तक की जो राजनीति थी उसमें कुशवाहा वोटर एनडीए का वोटर माना जा रहा था नवादा में जी। पूरे बिहार की ही यही वही स्थिति थी। लेकिन जैसे ही ये लालू प्रसाद का ये एक दाव चला और वो श्रवण कुशवाहा की उम्मीदवारी हुई नवादा से जी, उसके बाद से ही परिस्थितियां बदल गई। कुशवाहा मतदाता जो है सो काफी उत्साहित है, इसमें कोई दूराई नहीं है कि हमको लड़ना है। और 1971 जो हमें याद आ रहा है जी जी, कि 1971 में यहाँ से एक पहली बार कुशवाहा पार्लियामेंटर हुए थे, निर्वाचित हुए थे जी। और उसके बाद उस वर्ग को लग रहा है कि हम इतिहास दोहराने के करीब पहुंचे हुए हैं, तो स्वाभाविक है वो मतदाता वोट करेंगे, उनको करेंगे। तो क्या विनोद यादव भी कोई इतिहास लिखने जा रहे हैं, या फिर उनकी जो दावेदारी है बहुत हल्के में ली जा रही है नवादा में? नवादा की हिस्ट्री में अब तक जो 17 चुनाव इसके पहले हुए हैं, या 18वां चुनाव है जी, जी। उसमें एक बार, हाँ, ये हिस्ट्री बनाने में नवादा उस मामले में भी कामयाब रहा है कि इंडिपेंडेंट यहाँ से कोई पार्लियामेंटर हुए हैं निर्वाचित। अच्छा, अच्छा। और ये हाँ 1967 में संभवतः महंत सूर्य प्रकाश नारायण पुरी यहाँ से निर्दलीय चुनाव जीते थे। अच्छा। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का टिकट चाहते थे, पुराने जानकार बताते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो टिकट चाहते थे, उनके कार्यकर्ता उस पार्टी के नेता कार्यकर्ता भी थे, लेकिन उस वक्त उन्हें टिकट नहीं मिला था और वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे और चुनाव जीत गए थे। 1967 की बात है जी, तो हाँ बहुत पुरानी बात हो गई। तो विनोद यादव अगर चुनावी मैदान में हैं तो इतने बड़े राजनीतिक घराने से हैं, वो राजवल्लभ फैमिली से हैं, राजवल्लभ प्रसाद के भाई हैं जी, जी। तो वो चुनाव लड़ रहे हैं, कोई इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि हमें किसी का समीकरण बनाना है और बिगाड़ना है। उनकी सोच तो यही कह रही है
जी कि हम चुनाव जीतने के लिए चुनाव मैदान में। कैंपेनिंग भी उनका एग्रेसिव कैंपेनिंग चल रहा है, चूंकि उन्हें राष्ट्रीय जनता दल के दो विधायक जी और एक उनके अपने भतीजे हैं निर्दलीय स्थानीय निकाय के एमएलसी जी अशोक यादव, और राष्ट्रीय जी जनता दल के दो विधायक रजौली के विधायक प्रकाश वीर और नवादा सदर की विधायक जो कि विनोद यादव की भाभी हैं, राजवल्लभ प्रसाद की पत्नी हैं, वो भी चुनावी कैंपेनिंग कर रही हैं। तो एक मजबूत चुनावी कैंपेनिंग विनोद यादव का चल रहा है। अब तो मतदाता तय करेंगे कि इतिहास को दोहराना है 67 वाला, और कि विनोद यादव किसी का खेल बनाएंगे और बिगाड़ेंगे। लेकिन अभी जो ठीक स्थिति, है जी, नहीं अंततः तो मतदाता ही तय कर देते हैं सारी चीज़ों को, लेकिन जो एनडीए के नेताओं से बात होती है, पटना में बात होती है, आपकी भी बात होती होगी नवादा में, उनका कहना है कि पहले चरण की जो 4 सीटें हैं उसमें एक जो सबसे श्योर सीट है एनडीए के लिए वो नवादा है विवेक ठाकुर के लिए। इसको आप कैसे देखते हैं उनके इस दावे को, एनडीए के नेताओं के दावे को? एनडीए के दावे में दम होना स्वाभाविक है, क्योंकि नया परिसमन के बाद जब 2008 में परिसमन हुआ और 2009 में पहली बार पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, तब से लेकर अब तक एनडीए के प्रत्याशी एक लंबे मार्जिन से चुनाव जीतते रहे। पिछला 3 चुनाव 2009, 2014, 2019 का, इस बार भी कहीं ना कहीं उनकी सोच अगर ये कह रही है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, तो उस पर कोई बहुत ज्यादा उलझन उन लोगों के पास नहीं होना चाहिए कि वो चुनाव नहीं जीत रहे हैं। उनका तो दावा रहेगा कि हम चुनाव जीत रहे हैं। जी, हर का दावा है, गुंजन सिंह भी अपना दावा करते हैं, गुंजन की गूंज कितनी है वहां? देखिए, गुंजन सिंह के साथ समस्या क्या है कि वो पहली बार चुनावी पिच पे उतरे हैं, और उनके साथ समस्या समस्या ये आ रही है कि उनके पास वो चाहते थे लोजपा या भाजपा, क्योंकि लोजपा के सिटिंग सांसद यहां से थे, तो उनको लग रहा था कि लोजपा का ही सीट रहेगा, तो वो चिराग पासवान के संपर्क में थे, और नहीं तो अल्टरनेटिव भाजपा भी मिल जाता तो काम हो जाता। लेकिन उनके साथ दिक्कत यह है कि वो उनको इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना पड़ा। पार्लियामेंट चुनाव लड़ने के लिए जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो साधन संसाधन होना चाहिए, उससे की कमी से वो जूझ रहे हैं। एक सेलिब्रिटी है नौजवानों के बीच में, जहां भी जाते हैं वो भीड़ जुट जाती है, लेकिन पोलिंग डे बूथ पर उनके कार्यकर्ता खड़ा हो पाएंगे 7 बजे से सुबह से लेकर के शाम 6 बजे तक टिक पाएंगे, ये एक बड़ी समस्या, एक बड़ी चुनौती उनके लिए होगी। जी, परंतु जी एक आखिरी सवाल है आपसे कि 19 तारीख को वोटिंग होना है, क्या आप नवादा के चुनाव को डायरेक्ट फाइट में देख रहे हैं या कोई तीसरा कोना भी देख रहे हैं आप? ट्रिगुलर फाइट होगी या सीधी सीधी फाइट होगी? नहीं, लड़ाई तो आमने सामने का होगा, और दोनों पार्टी सिंबल से जो प्रत्याशी हैं, चूंकि जातीय कॉम्बिनेशन इस टाइप का है कि लड़ाई आपको बीजेपी बनाम आरजेडी ही देखने को मिलेगी 19 अप्रैल को भी और 4 जून को भी। बाकी अच्छा ये जो दो प्रत्याशी हैं, किसी की समर्थन उनको बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, यह बात सत्य है। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, साफ करना है वरुण जी को कि लड़ाई आमने सामने की होगी नवादा में, जिस तरह की परिस्थितियां वहां पर बन रही है, और राजबल्लभ अपनी की फैमिली से जो उतरे हैं विनोद यादव, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रेस में वो आगे बढ़ें, उनकी तैयारी भी है। गुंजन की गूंज बहुत ज़्यादा वहाँ सुनाई नहीं पड़ रही है, लेकिन जनता ने धीरे धीरे अपना मन वहाँ बनाना शुरू किया है। देखिए 19 तारीख को जनता का दिल में क्या है, जनता के मन में क्या है, ये पता चलेगा। वरुण जी, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत धन्यवाद, और कैपिटल टीवी के दर्शकों को कल हम दूसरी रणभूमि में ले चलेंगे, तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।